प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद एक बार फिर से परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए, उसकी दया और उसकी करुणा के लिए, क्योंकि सच में खुदावन की दया उसकी दरवाइयों के ऊपर बहुत आयस है। हम जितना खुदावन का शुक्र करें उतना मेरे लाभ के जीवनों के लिए कम ठहरेगा, क्योंकि खुदावन दी है जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर ही है जो दयालु है, विलंब से खूब करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। खुदावन की हुजूरी में चलें, हम खुदावन का शुक्र करें एक बार फिर से सिस्टर वायलेट के लिए, भाई रोनाल्ड के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आपके परिवार में बना रहा है, भाई सुधीर कुमार साहब प्रभु आपके साथ हैं, खुदाबंद आपको आशीषो बरकत दे, सिस्टर सीमा मसीह प्रभु आपके साथ रहे, खुदाबंद आपको आशीषो बरकत दे, सिस्टर नेहा जॉयस परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवन के ऊपर भी ठहरे। खुदाबंद का शुक्र करते हैं प्रभु के तमाम दासों दासियों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो दयालु है। मैं तो खुदाबंद में बनी रहें, आशीषित रहें, फलवंत रहें और निरंतर अपनी जिंदगियों को खुदावन की महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहें। बहन रजनी सिंह भाभी परमेश्वर आपके साथ रहे, खुदा का अनुग्रह आप पर आपके परिवार के ऊपर भी बना रहे। हम सब दुआ में अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। आसमान और जमीन के खालिक मालिक मरने वाले प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा जिंदा खुदा सर्वशक्तिमान, बड़ी आदर दीनता और भक्ति के साथ आपके चरणों में प्रभु आपसे निवेदन करते हैं खुदावन की आज की संध्या की इबादत हम सब के लिए बरकतों का बाइस हो। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे, शुक्र सचालो जवान प्रभु आपके साथ। हम सब खुदावन की महिमा में चलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं सिस्टर मीना विलियम के लिए, उनके परिवार के लिए भी, सिस्टर आशा बर्डन के लिए, उनके परिवार के लिए, सिस्टर ग्रेस बर्डन के लिए, सिस्टर नूतन गौतम के कोर्ट केस के लिए, भाई आशीष के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी चंगाई के लिए, सिस्टर आयना रोजलिन के लिए, हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जड़ तू जिड़क दे
हियरिंग प्रभु आपके साथ रहे।
अभिषेक बेदी साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, संजना सेन के लिए, उनके परिवार के लिए भी I'm not afraid to die.
Hallelujah.
सबको जो है उनके नियम अनुसार क्षेत्र बांट दिए और उन क्षेत्रों पर जो है वो उन्होंने विजय पाई और जितने भी 12 गोत्र थे उन सबको उनके स्थान जो है वो दे दिए गए और परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ बना रहा। मैं तो आगे हम देखेंगे यहोशू की जो है वो अब डेथ हो गई। यहोशू के डेथ के बाद फिर चीजें जो है वो बदल गई। मैं तो इसराइलियों की अपनी एक अजीब सी कहानी है और वो कहानी क्या है वो सर्कल यूं ही घूमता रहता है। चाहे वो इसराइली हो चाहे वो हम हो, हम सब के सर्कल घूमता रहता है। कैसा? हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। 50% सर्कल ऐसे चलता है। उसके बाद फिर हम परेशानियों में पड़ते हैं, फिर हम परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, फिर परमेश्वर का रहम हमारे ऊपर होता है, फिर हम आनंद का जीवन व्यतीत करते और सर्कल पूरा होता। जैसे ही हमारे जीवन में फिर से आनंद का समय आता है, फिर से हम पाप करते हैं, फिर से हम तौबा करते हैं, फिर से हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, फिर से आप करते, ये सर्कल में घूमता रहता है। मैं तो इसराइली की जिंदगी में अभी हमने अब तक जितनी बार देखा सेम सर्कल में इसराइली घूम रहे हैं, सेम परिस्थितियों में जो हैं वो कहीं ना कहीं इसराइली मुझे और आपको देखने को मिलते हैं कि उनकी जिंदगी चाहे वो मिस्र के देश में हो, चाहे वो जंगलों में हो, चाहे वो लंबी यात्रा का समय हो, चाहे वो ठहराव का समय हो, चाहे जिस देश में परमेश्वर उन्हें लाने का वायदा किया था कनान में, वहां पर भी परमेश्वर ने उन तमाम लोगों को बहुताई से विजय दिलाई, परमेश्वर ने उन सबको वो सारी बरकतें दे दी। लेकिन फिर से यहोशू उनके लीडर के मरने के बाद उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। मैं तो अब परमेश्वर ने उनके लिए न्याय ठहरा दिए। क्या ठहरा दिए? न्याय। परमेश्वर ने उनके अब एक आदमी को कंट्रोल करना, एक आदमी के बस की बात नहीं थी उन सबको कंट्रोल करना, इसलिए यहां से जो है वो न्यायियों का समय शुरू हुआ। मैं तो अब खुदाई कलाम में लिखा है कि बाराक और दबोरा जो है वो न्यायी हैं, दबोरा जो है भविष्य दुक्तिनी है। मैं तो बाइबल में महिलाओं का अपना एक अलग रोल रहा है प्रारंभ से ही, चाहे वो मरियम रही हो मूसा की बहन, चाहे वो रबेका रही हो, चाहे वो सारा रही हो, चाहे वो कोई सी भी परमेश्वर की दासी ठहरी हो, परमेश्वर ने कभी भी किसी रंग को नहीं देखा, रूप को नहीं देखा, जेंडर को नहीं देखा। परमेश्वर ने हर एक को अपने काम के लिए चुना है। लेकिन वो किन्हें चुनता है? जो भी परमेश्वर के कामों के को करने के लिए अवेलेबल होता है। खुदाई कलाम में लिखा है परमेश्वर उन्हें चुन लेता है। मैं तो परमेश्वर जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो ना ही तो वो ऊंची जाति देखता, ना वो नीची जाति देखता। अभी मैं किसी घर में गया था कुछ समय पहले, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, काफी पुराने क्रिश्चियन हैं, उनके हिसाब से हमारे दादा पादरी थे कि हम पादरी हैं, कि हमारे नाना पादरी थे, उन्होंने बड़े कई पूर्वज गिना दिए। उसके बाद बातें करते करते फिर जब उनकी वार्तालाप आगे बढ़ा
फिर उनके मुंह से वही सुनने को शब्द मिले, अरे ज्यादातर ईसाई तो छोटी जाति से आ रहे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, आप लोग छोटी जाति को कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं छोटी जाति को, अरे हमारे चर्चेस में तो उन्हें छोटी जाति के लोगों को पीछे बैठा देते हैं कि अलग बैठा देते हैं। मैं तो साउथ में आज भी खैर ये कल्चर है, लेकिन वो गलत है। मैं तो आज भी अगर मुझे और आपको ये याद है कि मैं ठाकुर से कन्वर्ट हुआ था, कि मैं पंडित से कन्वर्ट हुआ था, अगर मुझे और आपको आज भी याद है कि मैं जाटव से कन्वर्ट हुआ था, या मुझे और आपको अगर आज भी याद है कि मैं यादव से कन्वर्ट हुआ था, या मैं खान से कन्वर्ट हुआ था, पठान से कन्वर्ट हुआ था, तो निश्चित तौर पर जान लेना कि आज भी मैं और आप मसीह बने ही नहीं। आज भी अगर मुझे और आपको लगता है कि मसीह की महिमा में इस्तेमाल होने वाली जिंदगियां, आज भी मुझे और आपको अगर लगता है मैं दो कि जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पा लिया उसकी जिंदगी बदल जानी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो खुदा कलाम में इसीलिए लिखा है कि हल पर हाथ रखकर कभी पीछे मुड़ के मत देखना। मैं तो हमने तो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, बहुत सारे लोगों के जीवन में वही विचारधारा पाई जाती है। मैं तो फिर जब ऐसी उनसे बातें होती रहीं, तो मैंने कहा मेरे नाना मेथोडिस्ट में पादरी थे, वो वहाँ पर इस जगह मुलसान में पादरी थे, बोले हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, ऐसा वैसा ये वो। जब उन्हें ये पता लगा कि हाँ भाई हमारी कई पीढ़ियाँ जो हैं पासवानों की हैं, कई पीढ़ियाँ जो हैं वो मसीहत से जुड़ी हुई हैं ऑलमोस्ट सारे खानदान, तब परस्पेक्टिव बदलने लगे, तब चीनें बदलने लगी। भाई तो लेकिन मेरा आज की संध्या कहने का तात्पर्य यह है, निश्चित तौर पर जान लेना जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। बात यहाँ मेरी और आपकी नहीं है, बात यहाँ पर सोच की है, बात यहाँ पर धारणा की है, बात यहाँ पर विचारों की है। मैं तो अगर आज भी मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को हाई कास्ट का समझते हैं, आज भी मैं और आप मसीह में आने के बाद भी अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपने विश्वासी लोगों को, अपनी विश्वासी कलीसिया को, अगर मैं और आप दूसरे स्तर से देखते हैं, कई लोगों का कहना यह है कि महिलाएं जो है वो पुलपिट पर नहीं जाएंगी, लेडी पास्टर जो है वो पुलपिट पर नहीं जाएंगी, लेडी पास्टर जो है वो परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकती। मेरी तो निश्चित तौर पर जान लेना, डिस्क्रिमिनेशन जिसका परमेश्वर ने नहीं किया उसका डिस्क्रिमिनेशन करने वाला मैं और आप कौन है, जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भर दिया, जिसका अभिषेक परमेश्वर ने कर दिया, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया, निश्चित तौर पर जान लेना तो चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो हाई कास्ट हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, इस संसार में यदि वो मनुष्य है और परमेश्वर ने उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मखसूस कर दिया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसकी जिंदगी के अंदर उतार दी, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उसका अभिषेक कर दिया, तो मेरे जीदो खुदाई कलाम में लिखा है परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा। मैं तो अगर मैं और आप उन लोगों पर दोष लगा रहे हैं, अगर मैं और आप इस मानसिकता से ग्रसित हैं कि ये छोटी जाति का है, छोटे तबके का है, ये गरीब है, ये अच्छे कपड़े नहीं पहनता, और इन सारे आधारों पर अगर मैं और आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं और आप परमेश्वर का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव परमेश्वर का है, परमेश्वर ने उन्हें कलीसिया करके ठहराया है, परमेश्वर ने उन्हें अलग किया है, परमेश्वर ने उन्हें चुना है। मैं तो अगर मेरी और आपकी सोच में आज भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, तो निश्चित तौर पर जान लेना परमेश्वर का कोप मेरे और आपके जीवन पर उतारने से कोई रोक नहीं सकता। मैं तो स्वर्ग में निश्चित तौर पर जान लेना मेरे और आपकी जाति, मेरे आपके किस घर में मैं और आप पैदा हुए हैं, मैंने और आपने कितनी एजुकेशन को हासिल किया है, मेरा आपका स्टैंडर्ड क्या है, मैं और आप हाई कास्ट में पैदा हुए थे तब कन्वर्ट हुए थे, या मैं और आप लो कास्ट में पैदा हुए थे तब कन्वर्ट हुए थे, या मैं और आप जेंट्स पैदा हुए कि मैं और आप लेडीज पैदा हुई, या मैं और आप थर्ड जेंडर पैदा हुए, इसको देखकर मेरे और आपका स्वर्ग में स्थान निर्धारित नहीं होगा।
स्वर्ग में अगर मेरा आपका स्थान मुझे और आपको निर्धारित करना है तो मुझे और आपको किस बेस पर होगा? हमारे कर्मों के बेस पर, हमारी आज्ञाकारिता के बेस पर, कि मैं और आप कैसे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर उतार कर परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को, परमेश्वर के नियमों को और परमेश्वर की चेतावनियों पर चलते और किस तरह से अपने यीशु पर ईमान लाते हैं। भाई तो मेरा आपका विश्वास के आधार पर मेरे और आपके स्वर के द्वार खोले जाएंगे। भाई तो निश्चित तौर पर जहां तक मुझे लगता है, जिनकी सोच अभी भी पुरानी है, जिनकी विचारधारा आज भी पुरानी है, उन्होंने अपने ही हाथों से यीशु को पाने के बाद भी अपने स्वर्ग जाने के दरवाजे बंद कर रहे हैं। जितनी बार मैं और आप मसीह कलीसिया को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उतनी बार मैं और आप मसीह को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। खुदाई कलाम लिखा है, जिसने कौन है जो मेरे चुने हुओं पर दोष लगाएगा? इज लॉट क्या लिखा है, कौन है जो मेरे चुने हुओं पर दोष लगाएगा? और मैं तो खुदावंद ने अपने दास और दासियों को चुन लिया है। खुदाई कलाम में लिखा है, मैंने तेरी मां के घर में पढ़ने से पहले ही तुझे चुन लिया था। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है, मैंने तेरी मां के घर में पढ़ने से पहले ही तुझे चुन लिया था। हालेलुया। मैं तो सच में खुदावंद ने अगर किसी को भी बपतिस्मा लेने का अधिकार दिया है तो खुदावंद ने उसे चुन लिया। अब से जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और जो नई सृष्टि है वो मसीह यीशु में है, तो उस पर कौन दोष लगाए? मैं तो इन रूढ़ी बाध्यताओं से, इन हाई क्लास लो क्लास से, इस जातिवाद के बंधनों से एटलीस्ट मसीह की कलीसिया को अलग रखें, क्योंकि जो मसीह में है वो मसीह का है। मैं तो जब यीशु मसीह ने मसीहत को नहीं बांटा, आज मेरी जो क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी एक ऐसा फेथ है जिसमें कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट के नाम पर, गोत्र के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, बर्थ के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन है? बाइबिल में कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये जो जो यीशु के पास आता गया, चाहे वो व्यभिचारिणी स्त्री रही, चाहे वो चुंगी लेने वाला जकई रहा, चाहे वो शास्त्री और फरीसी रहे, चाहे वो सरदार रहे, चाहे वो शाउल खुद रहा, शाउल क्या था, मसीहों को सताने वाला यहूदी, लेकिन जिस पल से उसका कन्वर्जन हो गया उस पल से फिर वो यहूदी ठहरा, उस पल से सिर्फ वो मसीह का ठहरा। और पूरी पुरानी बातें कभी यहूदी ने, पुरानी बातें कभी संत पौलुस ने याद भी नहीं की। मैं तो क्रिश्चियनिटी एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री फेथ है, और इसको बना के रखें। मैं तो आज भी हम भी अपनी कलीसिया में कई लोगों को कहते हुए सुनते हैं, अरे यहां पर आके ये लोग बस गए हैं, अरे शेड्यूल कास्टों को बसा दिया पादी साहब आपने, अरे ये शेड्यूल कास्ट चर्च में भर गए। नहीं तो जो जिसे यीशु ने हाई कास्ट ठहरा दिया उसे मैं और आप कौन होते हैं शेड्यूल कास्ट कहने वाले? हाई कास्ट कहाँ ठहरा दिया? जो मसीह यीशु में आता गया और विश्वासी होता गया उसके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? आकाश क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने चुने हुएओं के लिए क्या कहा? खुदा के वचन में क्या लिखा है? तुम कौन हो? तुम राजपदधारी लोग हो। कौन हो? राजपदधारी। तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम परमेश्वर के मसीहा हो, तुम परमेश्वर के मैसेंजर हो। वही तो यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को उच्च पदवी पर ठहराया है। खुदावंद ने कह दिया, मैंने तुम्हें सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। जो मसीह की कलीसिया को मसीह ने सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया, तो मैं और आप कौन होते हैं किसी को पूंछ बनाने वाले? मैं तो जाने अनजाने कभी जिंदगी में अगर ऐसे शब्द हमारे मुख से निकले हों, जाने अनजाने अगर जिंदगी में कभी किसी के लिए हमने कुछ ऐसा सोचा हो या कहा हो, तो आज की संध्या परमेश्वर से क्षमा मांगे, खुदावंद से माफी मांगे, क्योंकि मैंने और आपने
उस व्यक्ति पर नहीं, मैंने और आपने मसीह के ऊपर उंगली उठाई है, क्योंकि जो मसीह में है वो मसीह का है। और अगर मसीह के को अगर मैं और आप उंगली उठाते हैं तो मैं और आप मसीहत पे उंगली उठाते हैं। अगर मैं और आप परमेश्वर के दास और दासियों पर के लिए अपने मुख को गलत शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मैं और आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मैं तो दबोरा जो है वो कौन है? एक भविष्यद्वक्तनी है, न्यायी है, फीमेल, महिला न्यायी। और खुदाई कलाम लिखा है जब एहू मर गया तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और उसके बाद खुदा ने क्या किया, इन्हें कनानियों के अंडर में दे दिया। खुदा ने कहा फिर तुम सजा पाओ, लेकिन वही सिंपली जैसे ये लोग सजा पाते थे फिर ये क्या करते थे, सर्कल घूम के आगे कहां जाता था, मैंने स्टार्टिंग बताया ना एक सर्कल चल रहा है, वो सर्कल क्या है, सर्कल है सबसे पहले आनंद का समय, फिर पाप का, फिर बकबक करने का, फिर बुलबुलाने का, फिर बुदबुदाने का, फिर गुलामी में चले जाने का, फिर गुलामी में जाकर फिर परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर की दुहाई देना, तौबा करना, माफी मांगना, फिर माफी के बाद फिर परमेश्वर का अपने लोगों को छुड़ाना, फिर छूटने के बाद फिर से आनंद का जीवन शुरू, जब आनंद का जीवन शुरू फिर से यहोवा को भूल जाना, फिर से आगे चल के गुनाह में गिर जाना। मैं तो अभी इनका जो है गुलामी में जाने के बाद, परेशानी में जाने के बाद इनके दुख के समय शुरू हो गए। अब इन्होंने फिर से परमेश्वर 20 साल तक ही गुलामी में रहे, 20 साल के बाद फिर से जो है ये परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर की सुधि लेने लगे। उस समय पे एक स्त्री हुआ करती थी दबोरा, जो नबिया थी, इसराइलियों का न्याय करती थी, और खुदाई कलाम में लिखा है न्यायियों 4:5 में, वे एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इसराइली उनके पास न्याय के लिए जाया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं ही तो जब परमेश्वर ने इसराइलियों की दुहाई सुनी तब खुदाई कलाम में लिखा है उसने किसको बुलाया, परमेश्वर ने इस नबिया से बातें करी दबोरा से, और दबोरा ने किसको बुलाया, बाराक को बुलाया, और बाराक को बुलाने के बाद उसने कहा क्या इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी, तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ जा और नप्तालियों और जबूलिनियों के मैं के 10,000 पुरुषों को संग ले, तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत कीशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उनको तेरे हाथों में कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो परमेश्वर ने जो है अब मार्ग तैयार कर दिया है। ये याबीन के सेनापति जो हैं ये इसराइलियों को परेशान करते थे, उन्हें सताते थे और बहुत सारी दिक्कतें और पीड़ाएं जो इनके जीवन में डालते थे। अब खुदावंद ने अपनी नबिया से बात करी और इस काम के लिए किसको चुना गया, बाराक को चुना गया। और यहाँ तक कि नबिया ने यह भी बता दिया कि खुदा ने कहा है कि तू परेशान मत हो, तू अपने लोगों को तैयार कर, तू अपने लोगों को तैयार कर, मैं खुद उसको उसके नगर से बाहर ले आऊंगा और वहां तेरे लिए बड़ी आसानी से तू उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन बाराक क्या कह रहा है, 4:8 में लिखा है, वो क्या कह रहा है, बाराक ने उससे कहा यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मैं तो ये मेरे आपके जीवन की बड़ी परेशानी है, और इस बड़ी परेशानी की वजह से मैं और आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं। मैं तो बाराक ने क्या किया, बाराक ने परमेश्वर की आज्ञा को एज इट इज नहीं माना कि ठीक है खुदा मुझसे कह रहा है जाने के लिए तो मैं जाऊंगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो शर्त रख रहा है। और शर्त क्या रख रहा है, क्या कह रहा है नबिया से, कि तू जाएगी तभी जाऊंगा वरना नहीं जाता। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना परमेश्वर मुझे और आपको अपनी महिमा के वास्ते, अपने जलाल के वास्ते, अपनी स्तुति के वास्ते और अपनी इबादत के वास्ते इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मेरे आपके जीवन की परेशानी क्या है, मैं और आप चाहते हैं कि पहले हस्बैंड चढ़ जाए तब मैं जाऊंगी, हस्बैंड कहता है पहले तुम चढ़ जाओगी तब मैं जाऊंगी, बच्चे जाएंगे तब हम जाएंगे, बच्चे कहते हैं माँ बाप खुदा की नजदीकी में आएंगे तब हम जाएंगे, फैमिली प्रेयर की बात होती है तो कहते हैं अरे पूरा परिवार बैठेगा तभी दुआ करेंगे वरना सब सो जाएंगे।
मैं तो खुदावंद जब जिसे जैसा मौका दे रहा है और जिसको चुन रहा है खुदा को अपने खुदा के कामों के लिए, उसे निरंतर अपने जीवन में तैयार रहने की आवश्यकता है। वरना परमेश्वर वो क्रेडिट, वो महिमा जो आपकी जिंदगी से लेना चाहता है, परमेश्वर किसी और को दे देगा। हालेलुया। मैं तो जब मैं और आप परमेश्वर में आज्ञावान नहीं रहते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, या जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने से इधर उधर भटकते हैं, तो खुदा वो महिमा जो हमें देना चाहता है, वो महिमा जो हमसे लेना चाहता है, वो प्रतिष्ठा जो हमें देना चाहता है, उठाकर वो किसी और को दे देता है। खुदा ही कलाम में लिखा है, जब इसने कह दिया कि ठीक है जब तू जाएगी तब जाऊंगी, नहीं तो मैं तो नहीं जाता। अब नमी आई थी, मैं उसने क्या कहा, खुदा ही कलाम में लिखा, उसने कहा निसंदेह मैं तेरे साथ चलूंगी तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो अभी तक बात क्या थी, सीसरा को कौन मारेगा, बाराक। लेकिन जब बाराक ने मना कर दिया, जब बाराक ने एक शर्त लागू कर दी, तू जाएगा तब मैं जाऊंगी। मैं तो कई बार मेरी आपके जीवन की परेशानी यही है, मैं और आप बहाने ढूंढते हैं खुदावंत के कामों से को न करने के, मैं और आप बहाने ढूंढते हैं परमेश्वर की इबादत में न शामिल होने के। कई बार मेरे साथ भी होता है, मेरा मन थोड़ा जब आलस में आ जाता है तो मैं अपने आप से आकाश आएगा तब मैं आऊँगा ऑनलाइन, आकाश नहीं आता तो नहीं आऊँगा, मास जोशवा आएगा तब मैं आऊँगा ऑनलाइन, ये दोनों सोचते हैं अरे पादी साहब जब तक हमें फ़ोन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं आएंगे, भाई साहब आपने हमें फ़ोन ही नहीं किया। भाई तो निश्चित तौर पर जान लेना, परमेश्वर तो अपनी महिमा लेगा। अगर मैं और आप तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर अपनी महिमा किसी और से ले लेगा। बस मुझे और आपको इंस्टेंट परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार रहना है। बाराक ने जब उस महिमा को और उस प्रतिष्ठा को लेने से मना कर दिया और एक शर्त लागू कर दी, नमी आत्मा तुरंत, अगला स्टेटमेंट क्या हो गया, अगला स्टेटमेंट क्या ठहरा, उन्होंने कहा सुन मैं तेरे साथ चल रही हूं, लेकिन उसको मारने की प्रतिष्ठा परमेश्वर तुझे नहीं देगा, अब तुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा, अब खुदावन किसी और स्त्री को तैयार करेगा कि वो उसे मार देगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो इसके पास इतने सारे सैनिक हैं, 10,000, इसके पास ताकत है, पोजीशन है, पावर है, लेकिन फिर भी खुदा ने कहा तू डर रहा है, अरे पागल देख एक अकेली औरत मार देगी, हालेलुया, जिसके पास कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, मैं तो खुदावन जब चाहे जिसे चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। निश्चित तौर पर जान लेना, परमेश्वर चाहे तो स्त्री से भी अपनी विजय प्राप्त करा सकता है, रेदर देन एक सेना को छोड़कर। खुदाई कलाम में लिखा है अब 10,000 पुरुषों को लेकर वो दोनों चल दिए हैं, और जब वो आगे बढ़े तो बड़ी अद्भुत बात वहां पर देखने को मिलती है कि जब सीसरा को समाचार मिला तो उसने क्या किया, उसने अपने 900 रथ जो लोहे के थे उन्हें तैयार किए। अब वो रथों को लेकर सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ दिया है। खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने इनकी दृष्टि ऐसी कर दी कि पीछे के पहाड़ गायब हो गए और वो स्थान दलदल में बदल गया, और ये लोग जो हैं ये क्या करने लगे, ये परेशान हो गए, हताश हो गए। खुदा के कलाम में लिखा है दबो 14 अगर मैं और आप देखेंगे 14 आयत में लिखा है, तब दबोरा ने बाराक से कहा उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथों में कर देगा, क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है। उसके बाद जब वो 10,000 पुरुषों को लेके पीछे भागे हैं, तब खुदा के कलाम में लिखा है तब सीसरा को तलवार से बाराक के सामने से घबरा दिया, किसने, परमेश्वर ने, और वो अपने रथों को छोड़कर, हालेलुया, वो अपने रथों को छोड़कर पीछे पीछे भागने लगे, हालेलुया। खुदाई कलाम में लिखा था बाराक ने अन्य जातियों के हशोतेज तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट कर दी और एक मनुष्य भी नहीं बचा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो खुदावन दिया जो अनुग्रह करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर है। मैं तो जब मैं और आप देखेंगे कि जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों के लिए अद्भुत करता है। आगे लिखा है अब जो है ये सीसरा जो है वो पैदल पैदल भागता गया, लगभग करीब 20 मील, अगर मैं और आप कैलकुलेट करते हैं तो 20 मील भागा है उस दिन,
20 मील भागते 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 यह हासोर के राजा याबीन और हेबेर कनी से जिससे इसका कॉम्प्रोमाइज था वहां पर एक स्त्री है, उस स्त्री के घर पर पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। उस स्त्री के घर पे पहुंचने के बाद इसने हेबेर ये बेल की वाइफ थी याइल, हाँ, याइल के घर पे सीसरा पहुंच गया। अब उसने कहा देख, उसके तम्बू में जब पहुंचा इसने कहा अब तू मुझे अपने घर के अंदर ले। वो इसके तम्बू में जाकर छुप गया और इसने सीसरा ने क्या कहा उस स्त्री से कहा कि सुन तू मुझे थोड़ा पानी पिला, मुझे भोजन खिला और मैं तेरे तम्बू में थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे ढूंढते हुए आए और मेरे बारे में पूछे तो उसे क्या कह देना, उससे कह देना कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। उसने कहा अरे प्रभु आइए आप मेरे घर पे आइए, आराम से खाइए पीजिए और सो जाइए। अब याइल के तम्बू में जो है सीसरा सो गया है जो सेनापति है। सोने के बाद इस स्त्री ने क्या किया, इस स्त्री ने तम्बू की कील निकाली और तम्बू की कील निकालकर इसके कनपट्टी पे रखी और भारी हथौड़े से सोते समय उस कील पर मारा और कनपट्टी से वो कील क्या हो गई, पार हो गई और इस तरह से सीसरा मारा गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो बाराक तो नहीं मार पाए ना उसे, किसने मारा उसे, एक स्त्री ने। प्रेज द लॉर्ड। जिसकी भविष्यवाणी भविष्य दुक्तिनी दबोरा ने बहुत पहले ही कर दी थी, इन सारे युद्धों से पहले ही, जिस पल बाराक ने मना किया परमेश्वर के उस महिमा में शामिल होने के लिए, अगली नमी आयत में ही कह दिया अब तू नहीं मारेगा, अब कोई औरत मारेगी। इसका मतलब इस औरत ने अपने ताकत से मारा, अपनी बुद्धि से मारा, अपनी समझ से मारा। परमेश्वर ने ऐसे हालात पैदा करे कि वो जंग के मैदान से उतर कर पैदल 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 पैदल, कहते नहीं आ बैल मुझे मार, और एक हिंदी कहावत है मुझे क्षमा करना, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये 20 मील पैदल पैदल चल के गया है अपनी मौत के पास कि तू मेरे पास मत आ, मैं खुद मरने आ रहा हूं तेरे पास, मैं खुद तेरे तम्बू में मरने आ रहा हूं। ये कहीं और नहीं गया है, ये अपनी मृत्यु के पास खुद चल कर गया है। इस बात को जीवन में याद रखना, इस संसार में हर एक के विचारों को, हर एक की बुद्धि को, हर एक के ज्ञान को और हर एक की समझ को कंट्रोल करने वाला कौन है, परमेश्वर है। भाई तो परमेश्वर जब चाहे जिसकी चाहे बुद्धि फेर सकता है, परमेश्वर जब चाहे जिसको चाहे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर जब चाहे तब एक निर्बल प्राणी को भी एक पूरे राष्ट्र का महाराजा बना सकता है और एक महाराजा को एक स्त्री के हाथ से मरवा सकता है। मैं दो परमेश्वर परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए निरंतर मुझे और आपको उसके भय में जीवन जीने की आवश्यकता है। खुदा कलाम में लिखा है उसके बाद ये हेबेल की जो स्त्री आयल है उसने उसको ऐसे कैसे इसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। अब जब बालाक जो है उसे ढूंढता हुआ गया है, ढूंढते ढूंढते उसने आइडिया लगा लिया, हाँ क्योंकि इस स्त्री के ऐसे ही नहीं गया, इस स्त्री का और सीसरा का रिलेशनशिप था काफ़ी टाइम पहले। अब उनने अंदाज़ा लगा लिया कहाँ गया होगा, वहाँ गया होगा। अब जब ढूंढते ढूंढते पीछे आए हैं तब बाराक सीसरा का पीछा, 22वीं आयत में लिखा है, तब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याइल उससे भेंट करने को निकली और कहा इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने जाकर उस क्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपट्टी पर गड़ी हुई है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इसराइलियों के सामने नीचा दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। तब इसराइली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए और यहां तक उन्होंने कनान के राजा याबीन को भी नष्ट कर डाला। फिर से मेरे जी, तो एक बार इसराइलियों के अच्छे दिन शुरू हो गए, फिर से एक बार परमेश्वर ने इनकी सुधि ली और इस पर दबोरा ने जो है परमेश्वर की महिमा में गीत को गाया है। हम खुदावंद का शुक्र करें। लेकिन इस बात को निरंतर याद रखना आज की संध्या, जब मैं और आप अपनी जिंदगी में सारा श्रेय परमेश्वर को दे देते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को प्रथम स्थान मान लेते हैं, तब परमेश्वर असंभव
असंभव और असंभव को भी संभव कर देता है। बस मुझ परमेश्वर की महिमा में शामिल होने का एक ही तरीका है और वो क्या है, हमेशा परमेश्वर की सेवा के लिए अवेलेबल रहो। यदि तुम नहीं होगे तो कोई और होगा, अगर हम नहीं होंगे तो कोई और होगा। परमेश्वर को तो अपनी महिमा जिससे लेनी है वो उसे ले ही लेगा। इसलिए जब भी खुदावंद की महिमा का अवसर हो, उस परमेश्वर की महिमा के अवसर में निरंतर शामिल बने रहना, क्योंकि न जाने कौन सा पल मेरी आपके जीवन का आखिरी पल हो। और पहली बात, कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी मसीह कलीसिया के व्यक्ति को, चाहे वो कहीं से भी हो, कोई सा भी हो, चाहे वो गंदा हो, साफ हो, अच्छे कपड़े पहने हो, खराब कपड़े पहने हो, पैसे वाला हो, गरीब हो। मैं तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य के बाहरी व्यक्तित्व को नहीं, वरन परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। मैं तो उसका हृदय परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है मैं और आप नहीं जानते। इसलिए निरंतर मसीह में एक होकर अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। हम सब प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद एक बार फिर से आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। पिता विशेष तौर पर इस मंडली को आपके अनुग्रह के साए में लाते हैं और आपसे निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी बड़ी महिमा के वास्ते आपके लोग इस्तेमाल हों। पिता परमेश्वर हम सबको जहाँ कहीं अवसर मिले खुदावंद तेरी महिमा करते जाएँ, तेरी स्तुति करते जाएँ। और खुदावंद जो बरकतें आपने हमारे जीवन के लिए रख छोड़ी हैं, जो प्रतिष्ठा आपने हमारे जीवन के लिए रख छोड़ी है, हम उसे अनुभव करते चले जाएँ। अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर, विशेष तौर पर अपनी आशीषों से भर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अरे मरे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज बख्श दे, जिससे अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति विशेष तौर पर इस मंडली के साथ और संसार के समस्त विश्वासियों के साथ निरंतर बनी रहे, आमीन। रिसॉर्ट सबके साथ रेस्ट राम हियरिंग, प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। मैं तो आप लोग मेहरबानी से निवेदन है, इस इबादत को अपनी अपनी आईडी से शेयर भी कर दीजिएगा। सफर से लाल परमेश्वर आपके साथ रेस्ट कामनी जॉन, जैसे और लोग भी परमेश्वर के वचन में सहभागी हो सके और परमेश्वर की इबादत को सुन रहे। संतोष प्रभु आप भाई संतोष प्रभु आपके साथ रहे, खुदा का अनुग्रह आप पर बना रहे। खुदावन से प्रार्थना करते भाई अजीत बेदी की, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन को बढ़ते रहे। ऊषा मसीह मसीह प्रभु आपके साथ रहे, खुदावन के अनुकंपा आपके जीवन को बढ़ते रहे। भाई सौरभ कुमार परमेश्वर आपके साथ रहे, खुदा में बने रहे, आनंदित रहे, आशीष रहे। कल फिर से हम 5 बजे फास्टिंग प्रेयर के साथ परमेश्वर के भवन में व परमेश्वर की इबादत में सहभागी होंगे। सरोने का बट्टा कर प्रभु आपके साथ रहे, खुदावन का अनुग्रह आप पर बना रहे।